अमित देखो ना कितना अच्छा मौसम है, चलो ना हम भुट्टा खाने चलते हैं। रजनी ने छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए ऑफिस से घर आए अपने पति से कहा। तो अपनी नई नवेली दुल्हन की मासूमियत भरी मनुहार को वो भी मना नहीं कर पाया और दोनों भुट्टा खाने बाहर गए। अमित ने चाचा जी को दो भुट्टे का ऑर्डर दिया। तभी रजनी को आभास हुआ जैसे किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। उसने अमित को कहा तो दोनों अपना भुट्टा छोड़ सड़क के दूसरी ओर लगी झाड़ियों से आ रही आवाज की तरफ बढ़ गए। वहां देखा तो एक ब्लैक पॉलिथीन में बंधा बच्चा अपनी पूरी जान लगा हाथ पैर मारकर उस बंधन से मुक्त होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये देखते ही रजनी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने आओ देखा न ताओ और हाथ में लिया भुट्टा एक तरफ फेंक लपक कर उस पॉलिथीन को फाड़ कर बच्चे को बाहर निकाला और बोली, ओह न जाने कौन इतना निर्दयी होगा जो इस नन्ही सी जान को यहां फेंक गया। लोग लड़कियों को फेंक जाते हैं पर देखो ये तो लड़का है। ये सुनते ही सब चौंक गए और बोले, घोर कलयुग है भाई, जरूर कोई अपना पाप छुपाने को इसे यहां फेंक गया होगा। वहां जितने मुंह थे उतनी बातें थी पर वहां कोई उस नन्ही जान के बारे में नहीं सोच रहा था। पुलिस भी आई पर वो भी उसे किसी संस्था को सौंपने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इधर वो बच्चा रजनी की छाती से ऐसे चिपका कि वो अपना पेट भरने को इधर उधर मुंह मार रहा था जैसे वो अपनी माँ के आंचल में हो। जैसे ही सारी जानकारी लेकर एक महिला पुलिस ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहा, उस नवजात बच्चे ने जोर से मुट्ठियां भींच रजनी की टी शर्ट को जोर से पकड़ लिया और ऊ ऊ करके जोर जोर से रोने लगा। रजनी की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, उसे बच्चे का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वो उस बच्चे से जुड़ाव महसूस कर रही थी। आखिर रजनी ने अपने दिल की सुनकर अमित की रजामंदी से संस्था को सौंपने के लिए कागजी कार्यवाही पूरी होने तक अपने पास रख लिया। उसके बाद जब पुलिस वाले घर से बच्चे को लेने आए तो रजनी और अमित उस बच्चे से इतने घुल मिल गए थे कि उसे खुद से अलग ही नहीं कर पाए और दोनों ने अपने माँ बाप से पूछ सारी कागजी कार्यवाही कर उसे गोद ले लिया और उसका नाम रखा हर्ष। हर्ष धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और रजनी और अमित उसे खूब प्यार करते और वो मासूम तो उन दोनों को ही अपना माँ बाप के रूप में जानता था। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे पर हर्ष के होने से उन लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि उन्हें अपनी संतान की जरूरत भी है। फिर एक दिन अपनी माँ के ये कहने पर कि बेटा एक और बच्चा कर लो, हर्ष को कम से कम एक भाई या एक बहन तो होनी ही चाहिए ताकि आगे चलकर दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके। रजनी ने इस तरफ सोचना शुरू किया और अमित को लेकर कई डॉक्टरों से भी मिली। आखिर एक दिन उसने अमित को अपने गर्भवती होने की खबर सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर अमित खुश तो हुआ पर उसे कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि कहीं अपना बच्चा होने पर उसका प्यार हर्ष के लिए कम ना हो जाए, इसलिए वो हर्ष से अब और ज्यादा खुद को जोड़ने की कोशिश करता। दूसरी तरफ रजनी हार्मोनल परिवर्तन और अपनी कोख में पल रहे बच्चे की वजह से हर्ष से थोड़ी दूर होती जा रही थी। पाला तो हर्ष को भी उसने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह था पर जो लगाव जो अपनापन वो अपने कोख में पल रहे बच्चे से महसूस कर रही थी शायद उतना हर्ष से कभी हुआ ही नहीं था। पहले तो उसे यही लगता था कि वो हर्ष को बिल्कुल उसकी माँ की तरह प्यार करती है पर अब अपने पेट में हो रही हलचल से उसके अंदर एक अलग ही ममता जागी थी। रही सही कसर 10वें महीने में हुई, उसकी प्यारी सी सुंदर सी नन्नी गुड़िया के जन्म ने पूरी कर दी। अब जब भी वो उसे अपने आंचल में छुपा अपना दूध पिलाती तो जैसे वो एक अलग ही दुनिया में होती। नन्नी गुड़िया के अमृत पीते होठों का स्पर्श उसे जन्नत की सैर कराता। ये भावनाएं ये प्यार भला हर्ष से कब जागी थी उसके अंदर। वो जब छोटा था तो पालने में ही दूध की बोतल भर के किसी कोने से टिका उसके मुंह से लगा देती।
हर्ष भी गट गट करके एक बार में ही बोतल खाली कर देता था। उसे भी कहां पता होगा कि जब एक माँ अपना दूध पिलाती है तो हजारों बार अपने बच्चे के सर पर हाथ फिराती है, फिर तुरंत कंधे से लगा उसकी न जाने कितनी पप्पियां ले लेती है। तब ये अंतर उस समय रजनी नहीं जान पाई थी। तो हर्ष एक माँ और बोतल का अंतर कैसे समझ पाता? और ये कल पैदा हुई नन्ही सी गुड़िया माँ और बोतल का अंतर इतने अच्छे से जान गई थी कि अगर रजनी की सांस उसके नहाते समय भी उसे बोतल से दूध पिलाए तो वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती, पर बोतल से दूध नहीं पीती। अब रजनी को हर्ष से उतना लगाव नहीं रह गया था, इसलिए जब भी हर्ष मम्मा मम्मा कर रजनी के आसपास आने की कोशिश करता तो वो उसे डपट देती। हर्ष, दूर रहो बेटा, देखो मेरे पास छोटी गुड़िया है, उसे तुमसे चोट लग जाएगी, जाओ दूर जाओ। हर्ष बेचारा दूर से अपनी मम्मा के गले लगने को तरसता रह जाता। 4 साल का बच्चा जब भी अपनी बहन को छूना चाहता बदले में उसे एक डांट ही मिलती। कितनी बार कहा है हर्ष कि छोटे बेबी को मत छुआ करो, जाओ मेरे कमरे से बाहर निकलो, जाओ दादी के पास जाओ। बेचारा हर्ष अभी तक खुद पर ममता लुटाती अपनी माँ को सूनी आंखों से पराई होती देख सहम जाता और जाकर पापा या दादी की गोदी में छुप जाता। फिर थोड़ी देर में सब भूल वापस रजनी के आसपास आने को मंडराने लगता। ऐसे ही एक दिन गुड़िया सो रही थी तो रजनी आराम से नहाने चली गई। अमित ऑफिस गया था और उसकी सासुमा रसोई में व्यस्त थी। हर्ष स्कूल से आ चुका था तो वो तो पहुंच गया अकेले में अपनी बहन से लाड लड़ाने। तभी रजनी बाथरूम से बाहर निकली तो उसने गुड़िया को हर्ष की गोदी में देखा तो उसने आओ देखा न ताओ और सीधे हर्ष के चेहरे पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिया। छोटा सा हर्ष तिल मिलाकर चीख पड़ा, जिसे सुनकर रजनी की सांस भागते हुए आई और सारा माजरा समझ उन्होंने खींच कर हर्ष को खुद से चिपटा लिया और रजनी से गुस्से में बोली, बहू ये क्या बेहूदगी है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतने छोटे बच्चे पर हाथ उठाते हुए? मम्मी जी आपको नहीं पता मेरे मना करने के बावजूद इसने गुड़िया को गोदी में उठा रखा था, वो तो मैं ठीक समय पर आ गई, वरना अगर ये गुड़िया को गिरा देता या हाथ पैर तोड़ देता तो बस बहुत हुआ, अब तो मैं इसे हॉस्टल में ही भेज दूंगी। रजनी दोगुने गुस्से से दादी के पीछे छुपे हर्ष की तरफ आंखें दिखा और दांत पीसते हुए बोली, तो उसकी सांस हर्ष को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा तुम दुखी मत हो, मम्मा है ना थोड़ा गुस्से में है, तुम जाकर अपने कमरे में बैठो, मैं अभी तुम्हारी मम्मा से बात करके आती हूँ। हर्ष को वहां से भेज व रजनी से मुखातिब होकर बोली, बहू मैं जब से यहां आई हूं देख रही हूँ कि तुम हर्ष से बहुत बुरा व्यवहार कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की पर तुम हो कि समझ ही नहीं रही हो, आज तो हद हो गई, खुद की गलती पर उस जरा से बच्चे पर हाथ उठा दिया तुमने। इसमें मेरी क्या गलती मम्मी जी? गलती तुम्हारी ये है कि तुम जब नहाने जा रही थी तो मुझे बताकर क्यों नहीं गई, तुम मुझे बताती तो मैं गुड़िया के पास बैठ जाती, चलो नहीं बताया लेकिन कमरे का दरवाजा तो बंद कर लेती। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें सच में गुड़िया के गिरने की चिंता थी या तुम अपनी बेटी को हर्ष से दूर ही रखना चाहती हो? क्या हर्ष तुम्हारा सगा बेटा होता तब भी तुम उसे गुड़िया के आसपास आने से रोकती? नहीं मैं बताती हूँ, तब तुम खुद ही हर्ष की गोदी में गुड़िया को लिटाती, उसे समझाती कि ये तुम्हारी बहन है, इसे तुम्हें प्यार करना है, इसकी परवाह करनी है, क्योंकि तब दोनों में प्यार बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होती। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ गुड़िया तुम्हारी संतान है, क्योंकि जो भावनात्मक अनुभव तुम्हें गुड़िया को सीने से लगाने से मिला वो तुम्हें हर्ष से नहीं मिला। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद ही हर्ष को अपने घर लेकर आई थी, इतने सालों से मैंने ही तो ख्याल रखा है उसका, वो मेरे बेटे जैसा ही तो है, रजनी ने अपनी सफाई में कहा तो उसकी सांस उसकी बात पर व्यंग से हंसते हुए बोली, हाँ है बेटे जैसा, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ
कि तुम उसे बेटे जैसा मानती हो, बेटा नहीं। पर मत भूलो कि वो तुम्हें सिर्फ अपनी माँ मानता है, माँ जैसा नहीं। मैंने तुम्हें उसे गोद लेने से पहले ही समझाया था कि गोद लिए बच्चे और अपने बच्चे को पालने में फर्क मत करना। तभी तुम बच्चे को गोद लो, वरना मत लो। पर तब तो तुम्हारे अंदर बहुत ममता जागी थी। तुम्हें याद है जब वो पुलिस वाले बच्चे को लेने आए थे और मैंने उन्हें बच्चा दे दिया था, तो तुमने कैसे रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। और आज वही बच्चा तुम्हें सर का बोझ लगने लगा, जिसे तुम उतार कर किसी हॉस्टल में डालना चाहती हो। मैं सांस हूं तुम्हारी, हर्ष के साथ कम ही रही हूं, तो मुझे इस गुड़िया और हर्ष में फर्क करना चाहिए था। पर मुझे तो उस बच्चे में ही अपना पोता दिखता है। एक बार को अमित ऐसा व्यवहार करता तो मैं समझ भी सकती थी, क्योंकि मर्दों को तो सिर्फ अपना बच्चा प्यारा होता है। और उसने तो अपने काम की वजह से हर्ष के साथ तुमसे कम समय ही बिताया है, पर तुमने तो उसे पाला है। तुम कैसे उससे भेद रख सकती हो? एक माँ का दिल इतना संग दिल कैसे हो गया? मेरी वो बहू कहाँ गई जिसने उस अजनबी सी नन्नी जान को अपनी जान बना लिया था? ये कहते कहते रजनी की सासू माँ रो पड़ी, फिर अपनी आंखों से खुद ही आंसू पोंछते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें गुड़िया से प्यार है, तुम उसे पालो। हर्ष मेरा पोता है, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं रखूंगी उसे अपने पास। पर एक अनाथ की तरह किसी हॉस्टल में तो मैं उसे नहीं जाने दूंगी, और नहीं उसे तुम्हारे पास छोड़कर तुम्हारी नफरत में पलने दूंगी। कहते हुए वो वापस मुड़ हर्ष के पास जाने लगी। तभी रजनी ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माफ कर दो मम्मी जी, मुझे पता नहीं क्यों और कैसे मेरे अंदर ये भेदभाव जाग गया, पर आज जब आपने मुझे वो पुराने दिन याद दिलाए तो समझ आया कि हर्ष कोई गैर नहीं, मेरी अपनी संतान है। उसे गोद में लेकर मेरे अंदर जो ममता का स्रोत फूटा था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बिल्कुल उस तरह जैसे गुड़िया को दूध पिलाने की भावना व्यक्त करना मुश्किल है। आप उसे मुझसे दूर मत करना, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तभी दोनों सास बहू की आवाजें सुनकर दरवाजे से अंदर आते हर्ष की आवाज सुनाई दी, जो दादी के पैर पकड़े रजनी से लिपटते हुए बोला, दादी प्लीज आप मेरी मम्मा को मत डांटो, मेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया, प्लीज दादी। और नन्ने नन्ने हाथों से रजनी के आंसू पोंछ दिए। उसका प्यार और परवाह देखकर रजनी ने उसे खुद से कस कर चिपटा लिया और एक सांस में उसकी हजारों पप्पियां ले डाली। तभी बेड पर लेटी गुड़िया कुनमुनाने लगी तो रजनी हर्ष का हाथ पकड़ ये कहते हैं कि चलो बेटा, तुम्हें गुड़िया को गोदी में लेना है ना, मैं देती हूँ तुम्हें गुड़िया को गोदी में, वो तुम्हारी बहन है, उसे खूब प्यार करना। वो उसे बेड पर ले गई और कमरे के दरवाजे से अमित और उसकी माँ दोनों भरी आंखों से बहन भाई पर एक माँ को ममता लुटाते देख रहे थे। दोस्तों, कभी कभी अपना बच्चा होते ही हम गोद लिए बच्चे को बेगाना बना देते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ममता जगाने वाला वही बच्चा होता है। इसलिए जब भी किसी बच्चे को गोद ले, पूरे मन से ले, वरना वो जहां पल रहा है उसे वहीं पलने दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे के अंदर अपनापन जगा उसे पराया करने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई और होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।